नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरत का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। अगर आप जान लेंगे ये बातें तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति को ये बात जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के पैरों को सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं और गृहिणियों के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब भी सामुद्रिक शास्त्र में है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति और उसका फल बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो वे शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहला लक्षण, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। दूसरा लक्षण, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित रामस्कोची गौतम के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशाली होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तीसरा लक्षण, माथा चौड़ा होना। अगर आपके चारों उंगलियां बहुत आसानी से आपके माथे पर आ जाए तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर 3 आ पा रही है, इसका मतलब है आपका माथा छोटा है। छोटे माथे के जो लोग होते हैं वो कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, भाग्य भी कमज़ोर रहेगा। और जो बड़ा माथा होता है, जिसे गजमस्तक कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही बहुत प्रसिद्ध रहेगा, यश मान सम्मान पाएगा। उसके हर बात में, हर कार्य में बड़ी स्पष्टता होगी और हर कार्य में वो सफल रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। चौथा लक्षण, माथा बाधा रहित होना चाहिए। यानी कोई भी अगर निशान, जैसे कि लोगों को एक कट का निशान होता है जन्मजात का, तो ये परेशानी पैदा करती है। ऐसे लोग जो ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, काफ़ी हद तक स्वार्थी भी होंगे, जल्दबाज होंगे। ऐसे लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं अगर ये निशान जन्मजात का ना होकर बाद में बना हो, या जन्म के बाद भी माथे पर चोट लग जाती है, उसका निशान रह जाता है, तो मतलब है कि उनका मंगल है। और जिस भी व्यक्ति का मंगल खराब होता है, उसे 12 साल से कम उम्र में ही माथे पर चोट जरूर लगती है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मतभेद रहते हैं अपने जीवन साथी के साथ। तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। पांचवा लक्षण, शरीर की गंध और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का शनि दूषित है
और शनि अगर दूषित है तो ऐसे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते। चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता, हमेशा उनके कामों में देरी रहेगी। ऐसे लोग कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। निशाचर प्रवृत्ति के होंगे ऐसे लोग, दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। हाँ, अगर सामान्य बाल है या सामान्य गंध है पसीने की तो ये ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंध है तो ये शुभ लक्षण नहीं है। वैसे लोगों को हमेशा ही परफ्यूम, इत्र, जो सुगंध की चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे उनका शुक्र मजबूत होगा। छठा लक्षण, जिस भी पुरुषों की या लड़कों की आवाज़ तेज होगी और स्पष्ट होगी, ऐसे लड़के बहुत भरोसेमंद होंगे। उनका सूर्य बहुत प्रबल होता है, वे हर क्षेत्र में सफल होंगे, चाहे नौकरी करें या व्यापार, बिल्कुल अपने दम पर सफलता पाएंगे। जबकि जो धीरे बोलने वाले लड़के यानी हल्की आवाज़ के लड़के होते हैं, जिनकी बात एक बार में स्पष्ट ना हो, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। वो हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। और वहीं अगर स्त्रियों की बात करें, जो कर्कश वाणी वाली स्त्रियां हैं या जो बहुत तेज़ आवाज़ की लड़कियां हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जबकि धीमी आवाज़ वाली मीठी आवाज़ की लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। सातवां लक्षण, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। चलते समय अगर पैर घसीट कर चलते हैं जो लोग, या कोई भी कारण से आवाज़ अगर ज़्यादा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए, ताकि चलते समय पायल की मधुर ध्वनि से घर में शुभता व सकारात्मकता बनी रहे। आठवां लक्षण, आँखें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आँखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है, और ये बात बिल्कुल सटीक बात है। आंखें नीर बांधा होनी चाहिए, कोई भी चोट का निशान आंखों के आसपास ना हो, आईब्रो के आसपास ना हो, और आंखों में एक चमक हो, तो ऐसी स्त्री पूरे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। नौवां लक्षण, नाखून। जिन भी लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, तो ये सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी मानसिक दबाव में होंगे, किसी ना किसी कुंठा का शिकार होंगे। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं आएगा। जबकि जिनके नाखून लंबे चमकदार होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनका अपमान होता है, इन्हें गालियाँ दी जाती हैं, इन्हें बार बार परेशान किया जाता है, तो वहाँ पर गलती से भी देवता कभी वास नहीं करते। इसीलिए महिला का सम्मान करें, महिला का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं में उसका सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। दोस्तों, हमारे ऋषियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गाय की पीठ पवित्र होती है, घोड़ों और बकरियों के मुंह पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब एक महिला की आती है, तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें, तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध है। वैसे तो किसी भी महिला का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की नाभि सबसे ज़्यादा पवित्र होती है। महिलाओं की नाभि में माँ शक्ति का वास होता है। महिलाओं की नाभि में तो इतनी शक्तियाँ हैं कि बच्चे को जन्म देने वाली महिला की नाभि से ही कोक में पल रहे बच्चे का विकास होता है। महिलाओं को इस अंग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और माँ का सम्मान करते हुए रोज़ाना अपनी नाभि पर तेल ज़रूर लगाना चाहिए,
जो महिला रोजाना नाभि पर तेल लगाती है ऐसी महिला होती है भाग्यशाली और ऐसी महिला हर रोग से दूर रहती है। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।